सो है गाइस, आज का ये वीडियो बेसिकली होने वाला है शार्क के ऊपर। जी हाँ, सिर्फ शार्क, पर छोटा शार्क या बड़ा शार्क, गाइस बोथ, दोनों के ऊपर ही बोलने वाला हूँ। भाई छोटा शार्क में कौन सा आता है, बड़ा में कौन सा आता है, डिटेल्स बोलूंगा, प्राइस वगैरह से सब कुछ बोलूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर बैकग्राउंड से नॉइस आए ना, माफ कर देना, क्योंकि हम लोग की तरफ गाना बज रहा है, इसलिए माफ कर देना। सो गाइस, बेसिकली मैं कुछ फेमस टाइप्स बताऊंगा, ना कि ऐसा टाइप जो कि भाई लोकल स्टोर में मिलता ही नहीं है। तो गाइस कुछ फेमस टाइप जो लोकल में मिल जाता है, जो नॉर्मल वैरायटी होता है उससे भी बताऊंगा, उसमें से कुछ रेयर वैरायटी भी है। तो गाइस पहला जो आता है हम लोग का लिस्ट में वो है बाला शार्क। अब बाला शार्क आप लोग सिल्वर शार्क के नाम से भी जानते हैं, मेरे पास भी इवन था बाला शार्क, पर बाला शार्क जो है आप लोग छोटा खरीदते हैं, पर ये जो है बहुत ही बड़ा होता है, अप टू 1 फुट तक चला जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। और आपको जो है, आप लोग अगर बिगिनर है ऑब्वियसली पा सकते हैं, पर थोड़ा इसका पीछे मतलब टाइम देना होगा, क्योंकि गाइस ये बड़ा होता है, ये नॉन वेज वेज दोनों में ही फीडिंग लेता है। और इसका जो टैंक साइज चाहिए, मिनिमम आपको 3 फीट से 3.5 फीट तक टैंक आपको चाहिए, क्योंकि ये 1 फीट तक चला जाता है। नेक्स्ट है रेड टेल शार्क। अब गाइस ये जो है ना, रेड टेल शार्क और रेनबो शार्क, ये दोनों में आप लोग फर्क ही नहीं समझते। रेड टेल शार्क जो होता है थोड़ा लंबा होता है कंपेयर टू रेनबो शार्क, इसलिए इसे रेड टेल शार्क किया बोला मतलब बोला जाता है। और इसका जो ब्लैक कलर है वो और भी डीप होता है कंपेयर टू रेनबो शार्क। तो रेड टेल शार्क का जो साइज जाता है वो 6 to 8 inches तक चला जाता है, बोथ वेज और नॉन वेज में फीडिंग लेता है। डिफिकल्टी मतलब आप लोग अगर बिगिनर है तो पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर प्लांटेड टैंक में रहता ही है। और इसका जो मिनिमम टैंक साइज चाहिए वो अप टू 2 फीट तक आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेनबो शार्क। अब जो पहले ही बोला जो रेड टेल शार्क है और रेनबो शार्क, इसमें फर्क नहीं समझते। तो रेनबो शार्क गाइस थोड़ा सा छोटा होता है, 4 to 5 inches तक जाता है, इसका एल्बाइनो भी एक आता है। और डिफिकल्टी मतलब बिगिनर या इंटरमीडिएट के लिए है, तो गाइस बोल दूं बिगिनर के लिए ऑब्वियसली है, ये भी प्लांटेड टैंक का स्पीसीज है, और इसके लिए भी आप लोग 2 फुट तक टैंक दे सकते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा मीडियो का शार्क, जो कि भाई बड़ा भी होता है छोटा भी रहता है, आईडी शार्क। आईडी शार्क आप लोग मे भी अभी नहीं समझ रहे कौन सा है, तो इसका फुल फॉर्म है इरिडिसेंट शार्क, और फेमसली हम लोग बोलते हैं टाइगर शार्क। टाइगर शार्क आप लोग देखा है दुकान में मिल जाता है। तो गाइस आप लोग सोच रहे हैं भाई प्राइस क्यों नहीं बता रहा है अप्रोक्स, तो गाइस मैं उस वीडियो का लास्ट में बोलूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो भाई आईडी शार्क तो नॉर्मल स्टोर में मिल जाता है, और आईडी शार्क का जो साइज होता है ना, आप लोग अगर प्रॉपर कंडीशन में रखे 3 to 4 feet तक चला जाता है, और ये एक्सपर्ट के लिए है, क्योंकि गाइस आप लोग अगर छोटा है तो पालिए ठीक है, पर ये जब बड़ा होगा तो आप लोग को एक बड़ा सा टैंक देना होगा, अप टू 6 feet तक टैंक आप लोग को देना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर आप लोग को एक पॉन्ड अच्छा से बना लेना होगा। नेक्स्ट है कोलंबियन शार्क। अब कोलंबियन शार्क भी एक मीडियम का शार्क बोल सकते हैं, क्योंकि इसका साइज जाता है अप टू 10 inches, हार्डली 1 foot तक हार्डली जाता है, और इसका जो मतलब डिफिकल्टी है बिगिनर के लिए है, इंटरमीडिएट भी पा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और टैंक साइज जो है आपको 2 to 2.5 feet तक देना होगा। नेक्स्ट है रोजलिन शार्क। अब रोजलिन शार्क आप लोग और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे उस लोग हम लोग बोलते हैं डेनिश होनी भी बोलते हैं, पता है आप लोग को वैसा ही देखने में होता है, तो खैर वो बात अलग है, इससे कहते हैं रोजलिन शार्क। तो गाइस रोजलिन शार्क का जो साइज है अप टू 4.5 to 5 inches तक जाता है, और अगर कुछ मतलब बोले डिफिकल्टी बिगिनर या इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट के लिए, ऑब्वियसली बिगिनर के लिए ही है, और मिनिमम टैंक साइज जो आपको चाहिए अप टू 1.5 feet 2 foot दे सकते हैं। नेक्स्ट है हार्लेक्विन शार्क। अब हार्लेक्विन शार्क भी उतना बड़ा नहीं होता है, अप टू 6 to 7 inches तक जाता है, और ये जो है इंटरमीडिएट के लिए थोड़ा दिक्कत है इसे पालना, और मिनिमम जो टैंक साइज लगेगा 1.5 foot to 2 foot। और एटलास्ट जो है, एटलास्ट के बाद गाइस और एक पॉइंट आएगा, वो है स्पेशल, वो है मतलब नॉर्मल लिस्ट में नहीं पड़ता, वो थोड़ा मॉन्स्टर टाइप वैरायटी में है। तो एटलास्ट जो हम लोग का नॉर्मल वैरायटी में आता है वो है चाइनीज हाइफिन बैंडेड शार्क। अब इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं एशियाटिक। तो गाइस एशियाटिक जो है ये भी थोड़ा संभालना दिक्कत वाला बात है, क्योंकि ये जो साइज होता है ना इसका अप टू 4 feet to 5 feet तक चला जाता है, और इसके लिए आपको 6 to 7 feet तक टैंक देना होगा या फिर पॉन्ड देना होगा, ये एक्सपर्ट लेवल का है, क्योंकि गाइस इसे संभालना दिक्कत होता है अगर बड़ा हो जाए, तो एक्सपर्ट लेवल का फिश है। और हम लोग का जो स्पेशल पॉइंट है गाइस, एनी आइडिया कौन सा शार्क हो सकता है? तो गाइस अगर आइडिया है तो मेरे को ये वीडियो पॉज करके बोल सकता है कमेंट में। तो गाइस अगर पॉज नहीं किया तो सुन लीजिए, वो है नन अदर देन परुन शार्क।
अब परुन शार्क देखिए इंडिया में अभी बहुत ही कम मिलता है, पर परुन शार्क है एकदम ही एक्सपर्ट लेवल का फिश, क्योंकि उसका हाइट चला जाता है 6 to 7 feet अगर प्रॉपर कंडीशन में रहे तो। परुन शार्क है हम लोग का सबसे एक्सपर्ट लेवल फिश, आपको मिनिमम टैंक साइज 10 feet चाहिए। अगर 10 feet टैंक नहीं बना सकते आपको पॉन्ड बनाना होगा, 10 feet बनाएंगे तो आपको 12 mm या फिर 16 mm का ग्लास देना होगा, 16 mm इधर लोकल में मिलता नहीं है, 12 mm तक लास्ट मिल जाता है। तो गाइस परुन शार्क है सबसे दिक्कत वाला बात रखने का, मेरा भी इच्छा है जब मैं पॉन्ड बनाऊंगा रखने का, पर मेरे को मिल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और परुन शार्क जो है टोटली नॉन वेज फीडिंग लेता है। आप थोड़ा प्राइस वगैरह अप्रोक्स बोल देता हूँ, पहला जो बोला बाला शार्क, बाला शार्क अगर छोटा खरीदेंगे तो 30 to 40 rupees पेयर तक मिल जाता है, बड़ा खरीदेंगे तो अप टू 250-300 rupees पेयर चला जाता है। रेड टेल शार्क का जो प्राइस होता है अप टू 60-70 पेयर चला जाता है। रेनबो शार्क का जो प्राइस होता है वो 40 पेयर चला जाता है, और एल्बाइनो होता है तो थोड़ा 10-20 rupees ज्यादा होता है। आईडी शार्क का जो प्राइस होता है छोटा खरीदेंगे 30 rupees जोड़ा मिल जाता है, और अगर एल्बाइनो खरीदेंगे तो 40 rupees पेयर में आ जाता है। कोलंबियन शार्क अगर खरीदेंगे तो अप टू 80 to 100 rupees पेयर तक आ जाता है। रोजलिन शार्क अगर खरीदेंगे 120-140 rupees पेयर तक चल जाता है। हार्लेक्विन शार्क अगर खरीदेंगे तो वो भी 70 या फिर 60 rupees पेयर में आ जाते हैं। एशियाटिक अगर बोलेंगे तो 250-300 पेयर में आ जाता है छोटा वाला साइज। और एट लास्ट परुन शार्क का प्राइस जो है, आप लोग अगर मतलब कोलकाता में गैली स्ट्रीट में जाके खरीदेंगे तो आपको 250-300 rupees में मिल जाएगा, या फिर लोकल में खरीदेंगे तो अप टू 500 चला जाएगा। तो गाइस होप करते थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा शार्क के ऊपर, अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को इस ईयर का एंड तक 1K चाहिए कैसे भी हो जाए। आप लोग शेयर कीजिए एनिमल लवर के साथ, फिर मेरे को 1K चाहिए गाइस। तो मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।